गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। महर्षि स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन या नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने अब तक दो पार्ट पढ़े और दोनों पार्टों में हमने सबसे पहले रूल ऑफ कनेक्टिव का अध्ययन किया, उसके बाद रूल ऑफ पर्सन का अध्ययन किया। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले पोर्शन रूल ऑफ टेंस का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, रूल ऑफ टेंस का अध्ययन करने से पहले, हमने पिछले दो वीडियोस में क्या पढ़ा इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं जिन्हें हम रूल ऑफ कनेक्टिव कहते हैं। रूल ऑफ कनेक्टिव के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि यदि इनवाइटेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में साधारण वाक्य हो तो दैट से जोड़ देते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसे इफ या वेदर से जोड़ देते हैं, और यदि डब्ल्यू एच वाला प्रश्नवाचक है तो वो स्वतः ही जुड़ जाता है। यदि आज्ञार्थक वाक्य है तो टू से जोड़ देते हैं, और यदि एक्सप्लेनेटरी वाक्य है तो दैट से जोड़ देते हैं, और यदि लेट वाला वाक्य है तो भी उसे दैट से जोड़ देते हैं और इनवर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्यों में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रूल ऑफ पर्सन और सेड टू को भाव के अनुसार टोल्ड या आस्क्ड में बदल देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था रूल ऑफ पर्सन। रूल ऑफ पर्सन में क्या पढ़ा था कि इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य के कर्ता और उसमें आए हुए समस्त प्रोनाउन रूल पर्सन कहलाते हैं, और पर्सन चेंज करने के लिए हम 123 बटे सन का सूत्र लगाते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और थर्ड पर्सन इज नो चेंज। पर्सन के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे रूल ऑफ टेंस का। तो देखिए, रूल ऑफ टेंस का अध्ययन करने से पहले हम देख लेते हैं कि टेंस परिवर्तन कैसे होता है, इसके क्या नियम है। पहले थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम सेज मी आई एम सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। He will see me you will be a good person one day he said to me with your uncle or he said to me earth round the sun he said to me dog barks at night। ये सभी इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। अब हम ये सभी डायरेक्ट स्पीच के बारे में, और अब हमें इन्हें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था कि रूल ऑफ टेंस टेंस रूपी परिवर्तन
टेंस रूपी परिवर्तन। तो टेंस रूपी परिवर्तन करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि टेंस रूपी परिवर्तन कहां होता है, कब होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम कहां का अवसर लेते हैं कि टेंस रूपी परिवर्तन कहां होता है। टेंस रूपी परिवर्तन हमेशा इनवाइटेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य के में ही होता है, यानी बाहर वाले वाक्य में कोई टेंस रूपी परिवर्तन नहीं होता है। केवल भाव के अनुसार सेड टू को टोल्ड, आस्क्ड और एक्सक्लाइम्ड, एडवाइज्ड जैसा वाक्य है उसके भाव के अनुसार टोल्ड को सेड टू को बदल देते हैं, और टेंस रूपी परिवर्तन इनवाइटेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य में कतई नहीं करते हैं। टेंस रूपी परिवर्तन सिर्फ इनवाइटेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में होता है। लेकिन कहां के बाद कब होता है, अब कब की बात करते हैं कि कब होता है। तो टेंस रूपी परिवर्तन करने से पहले टेंस रूपी परिवर्तन होगा तो इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में, लेकिन करने से पहले बाहर वाले वाक्य को देखो, इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य को देखो, और यदि बाहर वाले वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, यानी इनवाइटेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तो अंदर वाले वाक्य में टेंस रूपी परिवर्तन नहीं होता है, टेंस रूपी परिवर्तन नहीं होता है, केवल रूल ऑफ कनेक्टिव और रूल ऑफ कनेक्टिव तथा रूल ऑफ पर्सन तथा अदर रूल लगाकर ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते। यानी अब देखिए, मैंने देखा राम सेज मी, सेज ऐसे ही ऐसा रहा है, तो इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो इसमें टेंस रूपी परिवर्तन नहीं होगा, और इसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, केवल रूल ऑफ कनेक्टिव, रूल ऑफ पर्सन और अदर रूल लगा करके ही इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। जैसे देखिए, राम सीज मी, अब साधारण वाक्य है इनवाइटेड कॉमा के अंदर, साधारण वाक्य तो किससे जुड़ेगा, दैट से जुड़ेगा, हम जानते हैं दैट। अब पर्सन कौन सा है, आई, आई किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, 123 वाले सन का सूत्र लगाएंगे, तो राम आदमी है, तो इसलिए ही। अब ही के साथ ये आई के साथ एम आ रहा है, या ही के साथ एक वचन करता है तो इज आएगा, क्योंकि ये टेंस रूपी परिवर्तन नहीं है, ये सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न है, क्योंकि यहाँ आई के साथ एम आ रहा है या ही के साथ इज आएगा, लेकिन टेंस वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ही इज सेलिब्रेटिंग माई, फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से बोलेगा, कर्ता के हिसाब से बोलेगा, तो यहाँ माई का दूसरा रूप देख लेंगे कौन सा है, आई माई दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो ही का दूसरा नंबर देख लेंगे, राम ही है, तो ही का दूसरा नंबर क्या आएगा, ही हिज, तो यहाँ माई की जगह क्या आ जाएगा, हिज बन रहा है। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी इनवाइटेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तो टेंस रूपी परिवर्तन नहीं होता है, केवल रूल ऑफ पर्सन, रूल ऑफ कनेक्टिव और अदर रूल लगा करके ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते हैं। जैसे देखो, ये लिखा हुआ है अगला वाक्य, ही विल सी मी, तो यहाँ विल आ रहा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसका मतलब इसमें टेंस रूपी परिवर्तन नहीं होगा, केवल रूल ऑफ कनेक्टिव और रूल ऑफ पर्सन और अदर रूल से ही इसको बना देंगे। जैसे देखिए मैंने लिखा ही विल सी मी, साधारण वाक्य है तो दैट से जुड़ जाएगा। दैट यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो कर्म के हिसाब से बदलेगा, कर्म में है मी तो मी का नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस कर देंगे तो यहाँ आई आ जाएगा। आई आई वी के साथ क्या आता है, सेल या विल आ रहा है तो आई सेल बी ए गुड पर्सन वन। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन रहा है। तो जब प्रेजेंट और फ्यूचर होता है ना तो उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय केवल रूल ऑफ पर्सन और रूल ऑफ कनेक्टिव और अदर रूल लगाते हैं, टेंस रूपी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात कि जब इनवाइटेड कॉमा के अंदर बाहर वाले वैक में अर्थात रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस हो तो इनवाइटेड कॉमा के अंदर वाले वैक में टेंस रूपी परिवर्तन होता है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी की कि टेंस रूपी परिवर्तन ओनली एंड ओनली व्हेन जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वैक पास्ट टेंस में हो तभी टेंस रूपी परिवर्तन करते हैं, अन्यथा टेंस रूपी परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, एक्सपेंशन है, एक अपवाद। अपवाद क्या है, चाहे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वैक पास्ट टेंस में हो लेकिन यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वैक में ये चीजें आ रही हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब और कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ प्रोवर्ब हैबिट या रेडियो कमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वत्रिक सत्य या प्रोवर्ब कोई आदत, प्रोवर्ब कहावत, हैबिट आदत या आंखों देखा हाल, ये चार चीजें आ रही हो तो चाहे भले रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इनवाइटेड कोमा के बाहर वाला वाक्य चाहे पास्ट टेंस में हो तो भी टेंस रूपी परिवर्तन कतई नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है ही सेड टू मी अर्थ राउंड द सन, तो ही सेड है साधारण वाक्य को सेड को टोल्ड में बदल देंगे ही टोल्ड मी। अब ये पास्ट में है लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो ये सार्वत्रिक सत्य है, सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, तो चाहे बोलिए पास्ट टेंस में है फिर भी टेंस रूपी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखो मैंने लिखा दैट अर्थ राउंड द, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। जैसे अगला है ही सेड टू मी डॉग बार्क एट नाइट, तो सेड टू को साधारण वाक्य तो टोल्ड में बदल देंगे ही टोल्ड मी दैट डॉग बार्क एट नाइट। इसमें भी टेंस रूपी परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि कुत्ते रात को भौंकते हैं, ये कुत्तों की आदत है इसलिए आदत है, इसमें भी टेंस रूपी परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस रूपी परिवर्तन कब होता है और कब नहीं होता है। तो देखिए इसको नोट्स के रूप में हम लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले नंबर एक, टेंस रूपी परिवर्तन केवल
इन्वर्टेड कॉमा, कि अंदर वाले बैंड में ही होता है, अंदर वाले बैक में ही होता है, बाहर वाले बैक में कोई पेंसिलोपी परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, केवल भाव के अनुसार सेट टू को बदल देते हैं। नंबर दो, यदि इन्वर्टेड कॉमा कि बाहर वाले बैक में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले बैक में कोई टेंस रूपी परिवर्तन नहीं करते, केवल रूल ऑफ कनेक्टिव और रूल ऑफ पर्सन तथा अदर रूल लगाता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते, इनडायरेक्ट बना देते। नंबर तीन, यानी सीधा डायरेक्ट से डायरेक्ट बन जाता, टेंस रूपी परिवर्तन नहीं होता। नंबर तीन, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में, नंबर एक यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वत्रिक सत्य, प्रोवर्ब कहावत, हैबिट आदत, रेडियो कमेंट्री, आंखों देखा हाल, आदि आ रहे हों, तो भी टेंस रूपी परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वर्ब पास्ट टेंस में,
पास्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट टेंस में हो, यदि ये चार चीजें आ जाती हैं तो उसमें भी टेंस रूपी परिवर्तन नहीं होता है। टेंस रूपी परिवर्तन कब होता है? टेंस रूपी परिवर्तन करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ग यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वर्ग पास्ट टेंस में होना चाहिए, तथा रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वर्ग में ये चार चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब, हैबिट और रेडियो मोमेंट। नहीं होनी चाहिए तब टेंस रूपी परिवर्तन होता है। अब देखिए टेंस रूपी परिवर्तन होता कैसे है, अब हम ये चर्चा कर लेते हैं। ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट और ये फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस की चार शाखाएं, पास्ट टेंस की चार शाखाएं, ये फ्यूचर टेंस की चार शाखाएं, पास्ट की और प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी सहायक क्रिया डूडल्स या एस या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सहायक क्रिया इज एंड, इसकी सहायक क्रिया हैज है, इसकी सहायक क्रिया हैज बीन हैव बीन, इसकी सहायक क्रिया डेड या वर्ग की सही, इसकी सहायक क्रिया वाज वर्ग, इसकी सहायक क्रिया हैड और इसकी सहायक क्रिया हेड, इसकी सहायक क्रिया सेल, इसकी सेल भी विल, इसकी सेल है विल है और इसकी सेल है भी और विल है। इस तरीके से इनकी सहायक क्रिया। अब हमें ध्यान रखना है कि यदि इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला वर्ग प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में लगा देते हैं,
और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस की सहायता से लगा देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट की सहायता से लगा देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायता से लगा देते हैं। यानी प्रेजेंट की समस्त टेंसों को छत को लाकर पास्ट टेंस में रख देते हैं, और यदि पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो एक छोड़ के एक कंटिन्यूअस छोड़ के परफेक्ट में लगा देते हैं, कंटिन्यूअस में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगा देते हैं। इसकी हेड का हेड ही रहता है, हेड का हेड ही रहता है, और इसी तरीके से सेल का सुड कर देते हैं और बिल का गुण कर देते, ऐसे सेल भी का सुड भी और बिल भी का गुण भी कर देते हैं, ऐसे सेल है का सुड है और बिल है का गुण है, ऐसी सेल है बिल का सुड है बिन और बिल है बिन का गुण है बिन कर देते हैं, सेल है बिन का सुड है बिन और बिल है बिन का गुण है, ये टेंस रूप भी परिवर्तन करते हैं। यानी आपको फिर से समझने की जरूरत है, समस्त प्रेजेंट को समस्त पास्ट में लगा देते हैं, पास्ट में एक छोड़ के एक, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और उसमें सेल का सुड और बिल का गुड, तो सेल भी का सुड भी बिल भी का गुड भी, सेल है का सुड है बिल है का गुड है, सेल है बिन का सुड है बिन और बिल है बिन का गुड है बिन कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, याद रखने का अब दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं, एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में क्या है, एक्टिव पैसिव में तो हम क्या करते थे, सीडी परिवर्तन करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देते थे, और इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते थे। तो यानी एक्टिव पैसिव में सीडी परिवर्तन होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें तो सीधे छत्ती को ला देते हैं पूरी, इसमें सिड्डी बदल देते हैं और इसमें छत को ला देते हैं, तो यहां छत को लानी है और यहां पास्ट में एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक करना और उसमें सेल का सुड और बिल का गुण करना, और यदि बैक में मॉडल वर्ब आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए मॉडल वर्ब में केयर का फोर मे का माइट सेल का सोड बिल का बोर्ड और मस्ट इज नो चीज, यानी मस्ट का मस्ट ही रहेगा। ये अब एक्टिव पैसिव में क्या करते थे, केन का केन भी करते थे, पुड़ का पुड़ भी, उसमें बी और जोड़ देते थे, लेकिन इसमें केन का पुड़ मे का माइंड सेल का सुड विल का गुड और मस्ट इज नो चेंज, मस्ट का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम वाक्य लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से टेंस रूप में परिवर्तन होगा। जैसे मैंने लिखा राम सेड टू मी आई गो टू जयपुर, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको जोड़ने का काम करेंगे। तो राम ये साधारण वाक्य है, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड मी साधारण वाक्य को दैट से जोड़ते हैं, दैट से जोड़ दिया, फिर पर्सन चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है तो राम के हिसाब से यहाँ ही हो जाएगा ही। अब वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में कौन मिलेगा, वहां पर डेड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो साधारण वाक्यों के साथ आता है और डेड प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ आता है, तो सेकंड फॉर्म पर नहीं तो वो की क्या हो जाएगी, यहाँ He went to, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन रहा है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं
राम सेड टू मी यू आर गुड बॉय। तो देखिए ये भी साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है तो सेड टू को कैसे बदल देंगे, राम टोल्ड मी किससे जुड़ेगा दैट से, यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा कर्म के हिसाब से, कर्म मी है तो मी का कर्ता बना देंगे। आई अब इज एम आर कौन से टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो किसमें चला जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, आई के साथ कौन आएगा वाज आएगा, आई वाज ए गुड बॉय, यह आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन रहा है। इसी तरीके से मैंने लिखा ही सेड टू मी आई हैव गॉन टू माय अंकल्स हाउस। अब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले साधारण वाक्य है तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट से जुड़ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो ही, तो यहाँ ही हो जाएगा, आई का ही हो गया, हैज है कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड गॉन, फिर माई फर्स्ट पर्सन आ गया कर्ता के हिसाब से बदलेगा तो आई माई, तो ही का दूसरा नंबर ही हिज गॉन हिज अंकल्स हाउस, यह आपका इस तरीके से बनाते हैं। अगला है जैसे ही सेड टू मी आई वेंट टू योर मदर्स होम। तो देखिए साधारण वाक्य है तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट से जुड़ जाएगा, दैट आई फर्स्ट पर्सन है कर्ता के हिसाब से बदलेगा तो यहाँ ही आ जाएगा, वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा कंटिन्यूअस को छोड़ के परफेक्ट में जाएगा, तो वेंट है ना तो अब परफेक्ट में कौन मिलेगा हेड मिलेगा, तो ही हैड और वेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ही हैड गो वेंट गोन गोन टू योर कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा कर्म के हिसाब से, तो यू योर तो मी का कर्ता हो जाएगा, आई तो आई माई तो क्या आ जाएगा टू माई मदर्स मदर्स होम। इस तरीके से हम इसको बदल देते हैं। जैसे देखिए अगला है मैंने लिखा ही सेड टू मी यू वर रियली ए ग्रेट बॉय टू मी। तो सबसे पहले साधारण वाक्य तो ही टोल्ड बदल देंगे साधारण है तो मी दैट से जोड़ देंगे, यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा कर्म के हिसाब से, तो मी का कर्ता क्या हो जाएगा आई। अब वाज वर्ब कौन सा टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस है किस में जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, तो वहां कौन मिलेगा हेड बीन मिलेगा, तो आई हैड बीन रियली ए ग्रेट बॉय टू। अब मी कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा कर्ता के हिसाब से, तो आई आई माई मी। तीसरे नंबर पर तो ही हिज हिम तो यहां टू। इसी तरीके से मैंने लिखा ही सेड टू मी
आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ही टोल्ड मी दैट, मॉडल वर्ब है इसलिए उससे जोड़ देंगे, साधारण वर्ब है, आई किसके हिसाब से बोलेगा, कर्ता के हिसाब से, तो ही कैन का क्या हो जाएगा, कैन का कुड हो जाता है, कुड लिफ्ट जिसका दैट कर देते हैं दैट बॉक्स। इस तरीके से ये टेंस रूपी परिवर्तन होता है। तो मित्रों शायद टेंस रूपी परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। यदि देखो ये ऐसे होता, ही सेड टू मी, अर्थ राउंड द सन, तो इसमें टेंस रूपी परिवर्तन नहीं करते क्योंकि ये इनवर्टेड कॉमा के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है और यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है तो ही टोल्ड मी दैट, और फिर इस वाक्य को ऐसे कैसे लिख देते और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाता है। ये काम आपको पूर्व में टेंस रूपी परिवर्तन करने करते समय बता चुका हूं। तो मित्रों मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। कल फिर इसी में हम अध्ययन करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अदर यूज का और प्रत्येक सेंटेंस के हिसाब से अफर्ब यानी असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और लेट वाले वाक्यों को अलग अलग उदाहरणों के हिसाब से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो कल की क्लास हमारी महत्वपूर्ण क्लास होगी, उसे आप जरूर देखिएगा ताकि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर महारत हासिल कर सके। और यदि आपने मेरा ये चैप्टर ढंग से पढ़ा है, इसके चारों वीडियो आपने ढंग से देखे हैं, तो निश्चित रूप से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर कल मिलते हैं इसी समय इसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।